गाइस, हाउ आर यू गाइस। सो मैं अगेन आ चुकी हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो, आज का वीडियो लेके, क्योंकि हमने पिछली बार जो टॉपिक किया था, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 45 डेज ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारा टॉपिक था MSW जेंडर ऑफ इग्नू के टॉपिक जो मैं आपको करवा रही थी, उसमें 45 डेज की ट्रेनिंग के बारे में जो मैं आपको बताई, तो आज मैं आगे उसके बारे में बताऊंगी, आगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको। तो गाइज आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं होप करती हूँ कि आपको मेरे असल पढ़ाया हुआ समझ आए। सो गाइज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि हमने लास्ट टाइम जो किया था, हमने पढ़ा था ऑरिएंटेशन विजिट। हमने लास्ट टाइम ऑरिएंटेशन विजिट के बारे में पढ़ा था, और गाइज आपको जो ना समझ आया वो हमें आप बता भी सकते हैं, बट अब मैं आपको बता दूँ कि आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको कुछ पहले फॉर्म बताना चाहूँगी, कुछ आपको नए टॉपिक बताऊँगी जो CRs के टॉपिक हैं, जो CRs के कुछ टीम मैनेजमेंट है, जो टीच जो होते हैं वो टीच महिंद्रा फाउंडेशन ये उसकी ऑरिएंटेशन की है, डाबर इंडिया लिमिटेड, सुदेश शिवनंदर फाउंडेशन, SCL एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ऐसे बहुत से NGOs, बहुत से फाउंडेशन हैं जो आपको जहाँ जाना पड़ सकता है, जहाँ जिस NGOs में जाना पड़ सकता है। गाइज मैं आपको एक और बात बता दूँ कि गाइज आज हम अपने सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कंसर्न विजिट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। गाइज अगर आपको कोई टेंशन हो रही है, आपको कोई कंफ्यूजन है हमारे पढ़ाई हुए में या किसी भी चीज में, तो आप ना हमारी साइट पे गए हुए जर्नल में दिए हुए ऑप्शन पे हेडलाइन पे क्लिक करके आप वहाँ हमें सजेशन दे सकते हैं, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन से बात कर सकते हैं आप हमसे, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स या सारी चीजें हम आपकी क्लियर कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको फिर भी है, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उस साइट पे दिया हुआ है एज इट इज, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ से ही मैं आपको टॉपिक्स लेके पढ़ा रही हूँ। सो गाइज गो एंड चेक, जो भी कंफ्यूजन अपनी दूर करें। सो गाइज मैं बता रही थी कि जो मैं कंसर्न विजिट रिपोर्ट के बारे में जो आपको बताने वाली हूँ वो 45 डेज की होती है, जो MSW होती है वो 45 पेजेस की होती है, उसको 45 पेजेस में कंप्लीट करना पड़ता है, ये 45 डेज में कंप्लीट होती है। और BSW 25 डेज की, इट मीन्स कि हमारा जो 45 डेज है उनको हम कैसे कवर करते हैं, किस तरीके से हम इन सबको उस रिपोर्ट में हमें देना पड़ता है, उस जगह उस NGO में जाके हमको हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हम किसी ऑरिएंटेशन में चले जाएं या किसी भी विजिट रिपोर्ट को जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लिखवाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक्स और कुछ हेडलाइंस हमें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें नोट करनी होती है, जो हमें उस रिपोर्ट में डालनी होती है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि जो हेडलाइंस है वो पहली हेडलाइन हमें जो लिखने को मिलती है वो होती है डेट, जिस दिन हम वहाँ का विजिट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट रिपोर्ट बनाने, जहाँ हम जाते हैं, जिस NGO में जाते हैं वहाँ जाने की, जिस दिन गए हैं उसकी हमें डेट लिखनी पड़ती है। फिर गाइस सेकंड आता है टाइम स्पेंड इन द एजेंसी। सो गाइस हम जितना टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, लाइक हो गया हमारा मॉर्निंग में 10 to और इवनिंग में 6 PM। सो गाइस 10 AM से 6 PM इतना टाइम अगर आपने स्पेंड किया है वहाँ पे, तो आपको टाइम स्पेंड के बारे में इन्फॉर्म करना ही होगा उस रिपोर्ट में। थर्ड है हमारा प्लेस जहाँ हम जगह हैं या जिस जगह भी गए हैं उस जगह के बारे में बोलना। एक्टिविटीज एंड ऑब्जर्वेशन, हमने जो एक्टिविटीज की है, ऑब्जर्वेशन जो वहाँ करे है उसके बारे में भी हमें उसको डिफाइन करना है। गाइस फिर आता है कंक्लूजन, हमें जो भी समझ आया, जो भी हमारी रिपोर्ट में निकलता है आखिरी में हमें उसका पूरा कंक्लूजन देना होता है। लास्ट में है फ्यूचर प्लान्स, हमें उस रिपोर्ट्स में अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने बताने पड़ते हैं, NGOs के से क्या हुआ, क्या हम NGOs में गए, क्या फ्यूचर प्लान्स बनाए हमने उसको लेके, वो सब हमें समझाना पड़ता है। गाइज आप सोचते होंगे कि हाँ हम फर्स्ट डे जाते हैं वहाँ पे तो क्या होता होगा, तो गाइज मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन विजिट आप करने जा रहे हो या कहीं भी किसी भी NGO में जा रहे हो, तो वहाँ फर्स्ट डे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे वहाँ पे सबसे, जो जो है
अब हर किसी से इंट्रोड्यूस हो गए, आपके टीचर होंगे, आपके जो आपको जो भी काम होगा वहाँ पे, आपको जैसे ट्रेनिंग, जिस टीचर के अंदर आप ट्रेनिंग कर लोगे उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, आपको वहाँ के नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, वहाँ के ब्राउचर्स के बारे में बताया जाएगा, वहाँ का आप कॉटलोज देखोगे, आप गाइस वहाँ की बहुत सारी चीज़ें, वहाँ स्टाफ देखोगे, स्टाफ के बाद आप काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ लोग कितने हैं, मतलब स्टाफ मेंबर हर किसी को आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ जज कर सकते हो, जज नहीं, आप वहाँ जाके अपना अपने जजमेंट से लोगों को देख सकते हो कि हाँ किस 45 डेज अगर आपको एक एनजीओ में रहना है, एक एनजीओ के साथ काम करना है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ दी जाएगी। गाइस अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कंफ्यूजन अगर यहाँ पे हो, तो आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप कंफ्यूजन दूर रखो, अपने कंफ्यूजन मत रखो अपने दिमाग में। गाइस हमें कई सारे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि ये जो 45 डेज है वो संडे को भी इंक्लूड होगा, उसमें संडे भी इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। तो गाइस मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि उसमें संडे इंक्लूड नहीं होगा, 45 डेज ओनली मंडे टू सैटरडे होगा हमारा। ओके गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि अब कौन कौन से, ओके सो गाइस आपको भी बता दूं कि जो 45 डेज होते हैं उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी स्टार्टिंग होती है आपके इंट्रो से, आपके खुद के इंट्रो से। आपका इंट्रो वहां पे सबसे होता है, सबके सामने होता है, सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। गाइस देन होता है हमारा इन्वॉल्वमेंट कि हम कितने इन्वॉल्व हैं किसी चीज में, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो सारी चीजें। मैच्योरिटी लेवल चेक किया जाता है कि मैच्योर कितने हो आप, आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। देन है हमारा लास्ट एंड लेस्ट, मतलब सबसे आखिरी जो होता है, मतलब यहाँ होता है, यहाँ पहुंच जाता है, वो होता है प्रोफेशनल सोशल वर्कर, जो कि एक बहुत बड़ा हमारा एम भी होता है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि हम 45 डेज जिस चीज के लिए थे यहाँ पे, वो हम लास्ट में बन के बाहर निकलते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट होगी उसमें हर चीज लिखनी होती है, रोज की रोज आपको डे बाय डे रिपोर्ट करनी होती है, उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखना होता है, एक भी चीज आपकी छुटनी छुटनी चाहिए। जैसे आप फर्स्ट डे आपने क्या क्या किया, सेकेंड डे आपने क्या क्या किया, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें। जैसे कि कभी आप स्लम सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको उनके साथ अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारी चीजें उनके बारे में आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सेकंड, कभी आप ऑफिस में रह के पीपीटी जो कि होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी के बारे में अपना रिपोर्ट तैयार करनी, अपनी फाइल बनाना, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कभी आप जा रहे हो ब्लड कैंप पे, ब्लड डोनेट कर रहे हो, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो ब्लड डोनेट करें, लोग आके इस सारे ऑर्गेनाइजेशन कैंप में, बहुत सारे जैसे एसिस्टेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कैंप होते हैं। गाइस आपको लास्ट में बता दूं कि जो 45 की ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है गाइस, उसकी फीलिंग बहुत अलग होती है, बहुत ही ज्यादा अलग। उसको लिखना अपनी रिपोर्ट में आप कभी मत भूलना, आपकी रिपोर्ट बिना उसके बिल्कुल अधूरी है। आप अगर रिपोर्ट नहीं लिखते हो उसमें, रिपोर्ट में अपनी लास्ट फीलिंग नहीं लिखते हो, तो रिपोर्ट आपकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट फीलिंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। 45 डेज में आप जो फर्स्ट डे आए थे, जो जो यादें होती हैं 45 डेज में आपने क्या क्या किया, किस किस से मिले, कहाँ कहाँ गए, वो सारी यादें, वो सारा आपका जो भी था, वो सब कुछ आपको उस रिपोर्ट में जरूर लिखना है गाइस। सो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि आखिरी दिन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको बहुत सी चीजें याद आएंगी। गाइस लास्ट आप कभी मिस ही मत करना उस चीज को, लिखना उस चीज को, फील करना जरूर। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि लास्ट डे आपको क्या, आपके साथ मतलब क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा लास्ट डे आपको, आपके इसका प्रोफेशनल सोशल वर्क का सर्टिफिकेट आपके हाथों में रखेंगे। आपको आप क्या बन के जाते हो, क्या बन के निकले, आपको खुद पता है कि आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर बन के निकले हो, जो कि एक सोशल मतलब एक एनजीओ या मतलब पूरे समाज को हैंडल करने वाला इंसान, एक समाज के साथ चलने वाला इंसान बन के बाहर निकलता है। मैं आपको बता दूं कि जो सर्टिफिकेट होगा आपको जाके इग्नू में देना होगा, अपने जो भी इग्नू के हैं उनको देना होगा, वो आपका ये सबमिट करेंगे।
और गाइस मैं बस इतना कहूँगी कि आपका जो भी आपकी जो रिपोर्ट हो वो इससे समझ आए हमारी वीडियो से आपको हेल्प करें बहुत ज़्यादा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए जो कि है MS जर्नल के इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस एंड ग्रुप कन्फ्रेशन, ग्रुप कन्फ्रेशन पर है जो कि डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप साथ हमारे यूट्यूब पर जाइए, वहाँ लाइक और सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।